हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका एक्शन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर है, जो कि कमजोरी की बहुत ही अच्छी दवा है। साथ ही साथ महिलाओं पर भी इस दवा का बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है अगर इस दवा के लक्षण मिलते हैं तो। आइए जानते हैं क्या नाम है इस दवा का, कैसे इस्तेमाल करना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आइए बात करते हैं क्या नाम है इस दवा का। इस दवा का नाम है दोस्तों एबिस कैनेडेंसिस। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खासकर डाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम होती है और इस दवा के लक्षण मिलते हैं तो यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। डाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, ऐसा लगता है कि पेट में खुरचन सी हो रही है, इतनी तेज़ भूख लगती है और उस भूख से ज़्यादा आप खा लेते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है, और ओवर ईटिंग करने के बाद में पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूल जाता है। इस गैस के कारण हार्ट बीट पर असर पड़ता है, क्योंकि इतनी गैस बन जाती है कि वो हार्ट की स्पीड पर, हार्ट की धड़कन पर असर डालता है, जिसके कारण सीने में दबाव लगता है, हार्ट की धड़कन आपको तेज़ फील होती है और आप फील करेंगे कि मेरी जो धड़कन है वह तेज़ फील हो रही है। क्यों? क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा बन रही है और उस गैस के दबाव के कारण आपको पैल्पिटेशन फील हो रहा है। महिलाओं में इसकी बात करें तो इसका एक्शन फीमेल्स के यूट्रस पर है। अगर यूटराइन प्रोलेप्स की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि बच्चेदानी बाहर आ जाती है किन्हीं किन्हीं की, तो उसमें यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। महिलाओं को ऐसा लगता है कि जो यूट्रस का आगे वाला भाग है उसमें हल्का सा दर्द होता है और उस आगे वाले भाग को हल्का सा दबाने से या फिर पैदल चलने से उस दर्द में आराम होता है। तो ऐसी अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो यह दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करती है। अब बात करते हैं इसके कमजोरी के लक्षण में, तो कमजोरी के लिए यह दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है, क्योंकि अगर आपको कमज़ोरी लगती है, और कमज़ोरी भी किस प्रकार की, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, आप खाना तो अच्छा खा रहे हैं, भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही, लेकिन इसके साथ भी इसके फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, कमज़ोरी में आपको बहुत ज़्यादा सुस्तपन लगता है, शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, आपका कोई काम करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, हमेशा ऐसा मन करता है कि एक जगह लेटे रहें, कोई कुछ बोले ना, काम का ना बोले, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी इसमें आती। साथ ही साथ यह बुखार में भी दी जाने वाली दवा है। बुखार में इसमें ऐसी ठंड लगती है मानो जो आपकी खून की नसें हैं उसमें बर्फ सा पानी बह रहा हो, ऐसी ठंडी इसमें लगती है, और ऐसा लगता है कि पीठ में भी बर्फ़ जैसी ठंडी लगती है, जो पीठ की जो दोनों हड्डियां रहती है, स्केपुला रहता है, उसके बीच में आपको बर्फ सी ठंडी लगती है। साथ ही साथ आपके जो राइट स्केपुला है, जो राइट कंधे की जो पीछे वाली हड्डी है, उसमें भी अगर दर्द रहता है तो यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। अब आइए बात करते हैं कि यह दवा किन व्यक्तियों में ज़्यादा सूट होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको अचार, गाजर, चुकंदर, ऐसी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, उनमें यह दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करती है। तो अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है, साथ ही साथ अगर फीमेल्स में यूटराइन प्रोलेप्स की प्रॉब्लम है और इस दवा के लक्षण मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करेगी यह दवा। अगर फीमेल्स में यूटराइन प्रोलेप्स की प्रॉब्लम है तो डाइजेस्टिव इश्यूज भी उनको ज़रूर होंगे, बहुत तेज़ उनको भूख लगेगी, पेट में गैस भी उनको बहुत ज़्यादा बनेगी। तो दोस्तों यह थी एक होम्योपैथिक मेडिसिन एबिस कैनेडेंसिस। इस दवा का आप अगर इसके लक्षण मिलते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी दवा है यह, इसका इस्तेमाल आप 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी में कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर आप सुबह, दोपहर, शाम तीन टाइम ले लीजिए, और 200 पोटेंसी में अगर आप लेते हैं तो दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह शाम ले लीजिए, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है तो वह ठीक होने लगेंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी बीमारी अगर हो और इस दवा के लक्षण आपको मिलते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आपको बहुत ज़्यादा खुरचन जैसी भूख लगती है, ऐसा लगता है कि पेट एकदम सिकुड़ गया है, इतनी तेज़ भूख लगती है और आप उस भूख से भी ज़्यादा खा लेते हैं, जिसके कारण आपका पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है और हार्ट में दबाव आपको फील होता है, तो किसी भी बीमारी में आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं डॉक्टर आनंद लेता हूँ आज आपसे विदा, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन को लेकर। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में आप अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।